दोस्तों, आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बराबर देने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे बता दूँ, जो भी स्टूडेंट अपनी स्कॉलरशिप से रह गए हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, सो आप लोगों को वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊँगा, यहाँ पर स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप जो फेल्ड हुई थी, उनकी यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है, काफ़ी लोगों की उनकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो चुकी है। तो जिनकी यहाँ पर R13 से फेल नहीं हुई थी, तो उन लोगों को क्या करना है, जिनकी R13 से फेल हो गई, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वह बताऊंगा, ठीक है। तो आपको लोगों को क्या क्या यहाँ पे करना है, सो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट डाल लेना है, लेटेस्ट, ये वेबसाइट आप लोगों को डाल लेना है, लेटेस्ट जॉब फॉर यू, ठीक है। ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सो आप लोग ऐसा यहाँ पे क्लिक कर देना है दरअसल, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सो यहाँ पे खुलने के बाद ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यूपी स्कॉलरशिप चेक बैंक पे क्लिक कर देना है। सो आप लोगों को ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की मैं बता दूँ, इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है यूपी स्कॉलरशिप की रिलेटिव, जो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती है रोज़ को रोज़। यहाँ पे आप लोग देख, जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन रोज़ को रोज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड होती रहती है, और यहाँ पे आप लोग जो है यूपी स्कॉलरशिप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो है चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देना। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों की बैंक होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को इंटर अकाउंट नंबर डाल लेना है, और यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल लेना है, और ये कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन में डाल के सर्च पे क्लिक कर देना है। सो आप लोगों की यहाँ से अपनी जो स्कॉलरशिप होती है उसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, जिनकी यहाँ पर स्कॉलरशिप यहाँ पर आई हुई है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इनकी स्कॉलरशिप है, जो आप लोग देख सकते हो इनकी फेल्ड हुई थी, उनकी स्कॉलरशिप जो है नीचे देख सकते हो अंडर प्रोसेसिंग शो हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो 14,775 अंडर प्रोसेसिंग में शो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हो आप, 6 तारीख की है। तो जिनकी जिनकी यहाँ पे R13 से फेल हुई थी, उनकी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंटों की यहाँ शो हो रही है, और उनके अकाउंटों में पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो जिनकी आई हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दूसरी भी देख सकते हो, यहाँ पे इनकी जो स्कॉलरशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, और इनकी यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट, ये देख सकते हो 30,000 रुपये फेल्ड हो चुके थे, ठीक है। और इनके फेल्ड होने के बाद आज देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हो 30,000 अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इनकी स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को मैं बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंटों की R13 वालों की आ रही है यहाँ पे स्कॉलरशिप। और यहाँ पे दोस्तों ये भी देख सकते हो, इनकी भी स्कॉलरशिप है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इनकी 20,000 स्कॉलरशिप जो है फेल्ड हुई थी, और नीचे देख सकते हो अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सबकी यहाँ पे जो इनकी जिनकी फेल्ड हो रही थी, उनकी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंटों की शो हो रही है, ठीक है। तो अब दोबारा से शो होने लगी है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप जिनकी शो हो रही है, ठीक है। सो दोस्तों, इनकी भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इनकी स्कॉलरशिप जो है 10,000 यहाँ पे देख सकते हो इनकी फेल्ड हुई थी, और नीचे इनकी अंडर प्रोसेसिंग जो है शो होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि ये आप लोग देख सकते हो, नीचे इनकी अंडर प्रोसेसिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो 10,000 रुपये अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जिनकी जिनकी यहाँ फेल्ड हुई थी, उनकी उनकी यहाँ पर शो हो। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इनकी स्कॉलरशिप जो है, इनकी स्कॉलरशिप 50,000 फेल्ड हुई थी, और नीचे देख सकते हो अंडर प्रोसेसिंग 50,000 इनकी शो होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे R13 वाले हैं, तो R13 की यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, उनकी सभी लोगों की शायद मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप उनके PFMS पे शो हो चुकी है, ठीक है। तो जिनकी भी शो नहीं हुई है, तो वे स्टूडेंटों को मैं बता दूं, यहाँ पे जिनकी यहाँ पे R13 होने के बाद फेल्ड हो चुकी है, जिनकी शो नहीं हुई है, तो उनको यहाँ पे समाज कल्याण अपने जाना है, ठीक है। समाज कल्याण अधिकारी से अपनी जो है शिकायत लेके जाना है, ठीक है। जो आप लोगों की R13 का, वहाँ पर आप लोगों का निवारण हो जाएगा, आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है वहाँ से जल्द जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं
हैं वे आप लोगों की समस्या को सॉल्व कर देंगे और आप लोगों की यहाँ पे जो PFMS पे है सो होने लगेगी दोबारा, ठीक है। आप लोगों को विद प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ R13 की, सभी लोगों की स्कॉलरशिप शो हुई है, ठीक है, हो चुकी है। अगर जो आपकी नहीं हुई तो आप लोगों को समाज कल्याण जाना है, जो भी स्टूडेंट रह गए हैं उन्हें जल्द से जाए। अब बता दूँ जिनकी स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप के प्रति कब तक वेट कर लेना है, तो ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा लास्ट मार्च तक आप लोगों को वेट करना है, लास्ट मार्च तक आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ काफ़ी स्टूडेंटों की इनकी यहाँ पे आज भी शो हुई है, जिनकी स्कॉलरशिप मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जो मेरा वीडियो पिछला होगा उसमें देख लेना, यहाँ पे आज भी स्कॉलरशिप आई हुई है और इनकी यहाँ पे R13 फैल नहीं हुआ था, इनकी प्योर स्कॉलरशिप थी, इनकी अकाउंटों में आई है, ठीक है। अंडर प्रोसेसिंग शो हुआ है PFMS पे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।